हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है डिसीजन ट्री प्रैक्टिकल इन पाइथन। दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिसीजन ट्री की इंट्यूशन दी थी, यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं डिसीजन ट्री के प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हमें तीन मॉड्यूल्स की जरूरत होगी, पांडास, नंपाई एंड मैटप्लॉटलिब। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को इम्पोर्ट कर लिया। मैं रन कर देता हूँ ताकि ये तीनों मॉड्यूल हमारे जो सिस्टम है इसमें इम्पोर्ट हो जाएं। ठीक है, मैंने रन किया और ये सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इम्पोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक डाटा सेट था जिसका नाम था सैलरी डाटा डॉट सी एस वी, उसे मैंने रीड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पांडास। ठीक है, और डी एफ डॉट हेड की हेल्प से मैंने शो करवा दिया उस डाटा सेट को। ठीक है, मैंने इसे रन करवाया और आप देख सकते हो जो भी डाटा सेट सैलरी डाटा में प्रेजेंट था वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो सा एक्स वाली वैल्यू है उसे अलग कर देना और वाई वाली वैल्यू को अलग कर देना। एक्स वाली वैल्यू कौन सी होती थी, जो हमारी इनपुट वैल्यू होती थी, और जो सी वाई होती थी वो हमारी आउटपुट वैल्यू होती थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है उसे अलग करने के लिए लिखेंगे हम डी एफ डॉट आई लॉक। आई लॉक की हेल्प से हम सारे रूज ले लेंगे, कौन से कॉलम की, फर्स्ट कॉलम की, जो उसका इंडेक्स नंबर है जीरो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डबल कोमा वन इसलिए डाला ताकि मैं इसे टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, डॉट वैल्यूज लिख दिया। वैसे यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, अब वाई की वैल्यू को हमने अलग कर दिया, जो कि वाई की वैल्यू क्या थी, सैलरी की। ठीक है, उसे भी हमने अलग कर दिया डी एफ डॉट आई लॉक। सारी मुझे रोज मिल जाए, कौन से कॉलम की, लास्ट वाले कॉलम, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर माइनस वन। ठीक है, और आगे मैंने लिख दिया डॉट वैल्यूज ताकि मुझे अकेली इसकी वैल्यूज मिल जाए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमने लगाया डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम। ठीक है, जो एक्चुअल में एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री का। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, लिखा फ्रॉम एसकेलर्न डॉट ट्री। ठीक है, इम्पोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसर, बिकॉज ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिग्रेसर को कॉल कर लिया और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया आर ई जी इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर को कॉल किया और उसके बाद मैंने उसमें लिख दिया रेंडम स्टेट इज इक्वल टू जीरो। यदि आपने मेरी इंट्यूशन देखी है तो आपको पता होगा कि हम बाउंड्रीज जो से क्रिएट करते थे ना हमारी डाटा सेट में, वो वाला स्टेप हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो भी मीन वगैरह वाला काम होता था वो हम फिट की हेल्प से करेंगे। ठीक है, और मैंने यहां से आर ई जी डॉट फिट की हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यू को ट्रेन कर दिया। ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सा हमारा डिसीजन ट्री है वो सक्सेसफुली ट्रेन हो चुका है, मतलब हमारा मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसे ग्राफिकली शो करवाएंगे। ठीक है, ग्राफिकली शो करवाने के लिए पहले हम क्या करते थे, सीधा लिख देते पी एल टी डॉट स्कैटर, उसके बाद हम एक्स एंड वाई की वैल्यू को पास करवा देते थे। बट इस बार क्या होगा कि हम यदि इसे, मतलब कि यदि मैं ये वाली लाइन को हटा दूं, ठीक है, मैंने इसे हटा दिया और मैं यदि इस टाइम पर इसे रन करूंगा तो हमारे पास ग्राफ तो आएगा। ठीक है, बट वो ग्राफ एक्यूरेट नहीं होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था डिसीजन ट्री बाउंड्रीज बनाती है। ठीक है, बट यहाँ पर तो कोई भी बाउंड्री नहीं बन रही, ये तो एक तरह की नॉन लीनियर, जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता था, ये तो वैसी लाइंस बन रही हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सा डिसीजन ट्री का ग्राफ है वो अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, उसे अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो उसकी डायमेंशन होती है ना, मतलब कि उसकी जो से जैसे होता है ना डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे बढ़ा देते हैं, उसका जो सा डिफरेंस है 0.01 का रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सा डिफरेंस है वो 20,000 का है, और यदि हम इसे अप्लाई कर देते हैं तब जो सा डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, 0.01 का। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स ग्रिड और उसमें पास करवा दिया एनपी डॉट, एनपी क्या था हमारा नंपाई मॉड्यूल, और हमने एक रेंज क्रिएट की मिनिमम ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो वहां से लेकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और उसमें डिफरेंस कौन सा होगा, 0.01 का। ठीक है, अब आगे फिर से मैंने क्या किया, वही वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ताकि मैं ना दूसरा वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वही वेरिएबल नाम उसका सेम रखा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसका शेप चेंज कर दी। ठीक है, मतलब उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यदि आपको पता है, यदि आपने मैट्रिसेस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन m इंटू वन की फॉर्म में होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रीशेप करके लिख दिया लेंथ ऑफ एक्स ग्रिड, मतलब कि एक्स ग्रिड की जो भी लेंथ आएगी उसे कॉमा वन, उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है,
वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम अब जब यहाँ पर प्लॉट करते हैं ना वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को पास नहीं करवाएंगे, हम पास करवाएंगे एक्स ग्रिड की वैल्यू को, क्योंकि हमने अभी अभी एक्स की वैल्यू को एक्स ग्रिड में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे एक्स ग्रिड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ, आप खुद ही देखना कि जो सा ग्राफ है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने इसे रन कर दिया, ठीक है, अब रन करके आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज है वो साफ साफ दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाउंड्री कहाँ कैसी बन रही है, जैसे यदि मैं इस जगह की बात करूं तो बाउंड्री कैसी बन रही है, ये यहां से लेकर नीचे की ओर और यहां से, मतलब कि एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये एक बाउंड्री बन गई। उसी तरह ये एक बाउंड्री बन गई, ये एक बाउंड्री बन गई नीचे तक, ठीक है, और ये एक बाउंड्री बन गई। इसी तरह बहुत सारी बाउंड्रीज बन गई, ठीक है, आप देख सकते हो ना, ये एक जिगजैग टाइप का बन गया। ये जिगजैग टाइप का इसीलिए बना बिकॉज ये एक डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री में हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है, और जो उसकी मेन वैल्यू है वहां से ये वाली लाइंस पास करके जा रही है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि डिसीजन ट्री का प्रैक्टिकल कैसे है, मतलब कि ये कैसे हम पाइथन में डिसीजन ट्री को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसकी इनडेप्थ भी मैं बनाऊंगा, मतलब कि उसे हम स्क्रैच से बनाएंगे, बट मैं अभी के लिए ना कवर कर रहा हूँ जो मशीन लर्निंग, ताकि आपको ना ऊपर से हर चीज पता लग जाए, फिर इन डेप्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप बाद में उसे रिलेट कर पाओ, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द जो से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और SVM वगैरह इस सब की स्क्रैच से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और समझ लग गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।